एनिमल टिश्यू के अंदर अब आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के का जो चैप्टर चल रहा है एनिमल टिश्यू, उसका एक हिस्सा हमने कल पढ़ा था कि एनिमल के अंदर चार तरह के टिश्यूज होते हैं, जिसमें से पहले का नाम था एपिथेलियल टिश्यू और वो उस लेक्चर में हमने आपको समझा दिया था। बकाया कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ पर क्या है, नर्वस टिश्यू। तो इधर नंबर टू लिखा हुआ है ना, पहला तो हो गया ना एपिथेलियल टिश्यू तो हो गया ना सारा, क्योंकि वो सारा बहुत ज्यादा लेंथी भी था, हमने उसको एक ही लेक्चर में पढ़ा था। तो आज हम बकाया जो है ये बहुत आसान, इसको एक ही लेक्चर में पढ़ लेते हैं, ठीक है। साथ साथ कोशिश करते हैं कि एग्जामिनेशन में इस तरह इसी क्वेश्चन किस तरह से आएगा और हमें लिखना क्या है। तो सबसे पहले नाम याद रखेंगे हम लोग, नाम याद रखने के बाद हम आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन हम बताएंगे कि ये क्या करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एक इस तरह का टिश्यू है जो क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं जिस्म के दूसरे पार्ट्स को, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब आपके जिस्म के अंदर एक पार्ट है उसको कनेक्ट करते हैं दूसरे पार्ट के साथ। अब जैसे आप हड्डी को देखें, बोन को आप जरा देखिए, बोन क्या करते हैं, बोन बोन के साथ खुद भी तो अटैच है ना हड्डी, हड्डी एक दूसरे के साथ अटैच की नहीं है। अब आप देखिए यहां पर हड्डियां हैं, ठीक है, और यहां पर भी क्या है, हड्डियां हैं। इन दो हड्डियों के बीच एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिन्होंने दो हड्डियों को आपस मिलाया था। मैं इस तरह से लिखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि ये एक हड्डी है, एट सपोज ये एक बोन है और यहां पर एक दूसरा बोन है, दो हड्डियां हैं। इन हड्डियों को आपस में इधर मिलाया हुआ है, किस चीज ने मिलाया हुआ है, टिश्यू है, क्या है, टिश्यू है, क्या कहते हैं उसको, कनेक्टिव टिश्यू के लिए। फिलहाल इसका नाम तो है, इसका अपना नाम है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगमेंट कहते हैं, लिगमेंट्स, लिगमेंट्स। तो फिलहाल आप लिगमेंट को छोड़ दो, सिर्फ ये देखिए कि दो हड्डियों को आपस में मिलाया हुआ है, तो ये बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और मजे की बात और सुन ले कि गोश्त, आप लोग बॉडी बिल्डर होंगे, हाँ बॉडी बिल्डर देखे होंगे ना, उसके मसल्स आपने देखे होंगे, मसल्स बड़े बड़े मसल बने थे, बाइसेप मसल बनाए, देखे कि नहीं देखे, तुम लोग सब सारे कराटे में लग रहे हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि वो बॉडी बिल्डर लगे हो। तो वो मसल क्या है, वो मसल अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, ये मसल है आपके हाथ के सामने, ठीक है, ये मसल जो है, ये मसल भी आपके हड्डी के साथ क्या हुए हैं, अटैच हुए हैं। ये एम मसल और ये हड्डी के साथ क्या किया हुआ है, अटैच है। लेकिन पता है इस रस्सी का नाम क्या है, इस रस्सी का नाम क्या है जिसने आपके मसल को हड्डी के साथ मिलाया हुआ है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, समझ आ रहे, कनेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है बॉडी के एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो एक तो क्लियर हो गया ना, बाइंड एंड कनेक्ट टुगेदर, ठीक है, ये तो हो गया, सबको समझ आ गया, अच्छा ये कनेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सही समझ आ गया। अब मजीद इसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको सेल्स तो नजर आएंगे माशाल्लाह से, ठीक है, सेल्स तो आपको नजर आएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स तो टिश्यू तो होंगे, लेकिन पता है इसमें अक्सर आपको कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे, क्या धागे नुमा स्ट्रक्चर भी इधर आपको साथ साथ नजर आएंगे। अक्सर औकात कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स के साथ साथ आपको कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर्स भी नजर आएंगे। ये धागे वाले एपिथेलियम में मौजूद नहीं थे, ये सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में मिलेंगे, सही है। तो चलो जनाब ये हो गया, आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास कितने हैं, कौन कौन से हैं, तीन तरह के हैं। एक का नाम है प्रॉपर, क्या नाम है,
प्रॉपर। ये दरअसल किस चीज को शो कर रहा है? प्रॉपर मतलब एडिपोज टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। इधर देख दो, एडिपोज टिश्यू। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जिसका पेट बाहर निकला हुआ होता है। Yes, sir. Yes, sir. वो जो पेट, वो उसमें सारा का सारा चर्बी होता है। Yes. अब चर्बी क्या है आपको सेल्स ही नजर आएंगे। उसके पेट को अगर आप देखो ना उसके अंदर, उसमें आपको क्या नजर आएंगे? सेल्स ही नजर आएंगे। हमारे और के पेट के अंदर सेल्स है तो उसके पेट में भी सेल्स नजर आएंगे, लेकिन उसके पेट के अंदर आपको ये जो सेल्स है इनके अंदर आपको क्या नजर आएगी? चर्बी। या रेड कलर में क्या लिख रहा हूं? चर्बी, फैट्स। तो इस तरह के सेल्स जिनके अंदर क्या मौजूद है? फैट्स मौजूद है, इट्स कॉल्ड एज एडिपोज टिश्यू। अब जरूरी नहीं है कि जिसका पेट निकला हो सिर्फ उसके अंदर ही एडिपोज टिश्यू हो, बॉडी में और भी ऐसे जगह है जहां पर एडिपोज टिश्यू होते हैं, मतलब जिसके अंदर चर्बी स्टोर हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। और इसके फायदे भी है वैसे, कई जगह पर यह प्रोटेक्ट भी कर रहा है। चले जनाब, दूसरे नंबर पर क्या है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू किसको कहते हैं? स्केलेटल हड्डी को बोलते हैं, बोन। स्केलेटल में हमारे पास क्या क्या मौजूद है? स्केलेटल में हमारे पास ऐसा कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है जो सख्त हो। ये प्रॉपर जो था ये नरम था। क्या था? नरम, सॉफ्ट था। अब ये स्केलेटल क्या है? ये सख्त है भाई, हार्ड है। हार्ड मतलब आप सॉलिड कह सकते हैं। सॉलिड क्या है? सॉलिड आप इसको कह सकते हैं। अब इसके अंदर दो तरह के हैं, स्केलेटल में दो तरह के टिश्यू आपको नजर आएंगे। एक को हम लोग क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज आपके जिस्म में जहां जहां पर आपको हड्डी नजर आए, जहां जब हड्डी नजर आए, यहां पर हड्डी है, यहां पर हड्डी है, ठीक है, खोपड़ी हड्डी है, ये सारा का सारा जो हड्डियां हैं, बोन है, वो आपका कौन सा टिश्यू है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा ये क्या चीज है? कार्टिलेज। कार्टिलेज नरम हड्डी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नरम हड्डी। नरम हड्डी तो हड्डी है, सख्त है ना, आप देख सकते हैं नरम हड्डी आपकी बॉडी में कहां कहां पर है। कान, ये देख रहे, इसको आप जरा देख ले कितना नरम है। एज मी दिस इज ये गोश्त नहीं है, ये कार्टिलेज है। नाक में यहां उंगली ना रखे, थोड़ा सा आगे आ जाए यहां पर है, थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर सकते हो। इधर भी कहा है? कार्टिलेज। अगर आप अंदर तक आओगे तो ये हड्डी है। बॉक्सर लोग जो बॉक्सिंग करते हैं ना, उनका ये तो हड्डी होता है ना, हमारे यहां भी हड्डी होता है, यहां पर जो है कार्टिलेज है, ठीक है, और वो उसको बड़ा सख्त रखते हैं अपने कार्टिलेज को। कार्टिलेज का एक मसला भी, अगर एक बार उसको चोट लगा तो बड़ा लेट ठीक होता है। तो हमारे पास ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कार्टिलेज का, और यहां पर है, हत्ता कि आपके गले के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद है। वैसे तो बॉडी में पसलियों में पसलियां वैसे खुद हड्डियां हैं, बोन है, लेकिन जहां पर पसली को यहां पर जो दरमियान में एक हड्डी है, उस हड्डी को मिलाने के बीच में जो है आपको कार्टिलेज नजर आएगा। सो बहरहाल कार्टिलेज आपको मुख्तलिफ जगहों में नजर आएगा। कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया। बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोलेंगे? बोन के साथ क्या लिखेंगे? बोन इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, सीटी। कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दोनों का मकसद क्या है? दोनों का, अच्छा, हड्डी और कार्टिलेज का मकसद क्या है? इन दोनों का काम क्या है? अच्छा ठीक है, वो तो करें, वो तो सब अपने करें। वैसे बोन और कटलेज का मकसद है बॉडी को सपोर्ट देना। क्या देना? देखो, हिफाजत भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है। मैं खड़ा हूं तो अपनी इसकी मदद से तो मैं खड़ा हूं, हाँ जी। और साथ साथ देखो, आपके सीने के अंदर दिल नाजुक पार्ट है, लंग्स है, उसको हिफाजत दे रहा है ये वाली हड्डियां हैं। आपके खोपड़ी के अंदर दिमाग है ना, दिमाग कितना नाजुक है, लेकिन दिमाग के आसपास हड्डी है, बोन है, तो ये वाला क्या करता है? हमें सपोर्ट में मदद देता है और हमें चलने में भी मदद देता है, मूवमेंट में। अब लास्ट में आते हैं फ्लूइड टिश्यू। कुछ कनेक्टिव टिश्यू क्या है उसको बोलते हैं फ्लूइड, यानी ये क्या है? ये सख्त नहीं है, लिक्विड की तरह। दरअसल इसमें असल में क्या आ रहा है?
ब्लड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? और ब्लड तो सबने देखा है, सुर्ख कलर का जो खून होता है ब्लड होता है। ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, जिसे आप लोग क्लास्टेंट में दोबारा जाके पढ़ोगे, ब्लड के अंदर सुर्ख सेल है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ऑक्सीजन ले जाते हैं, वाइट ब्लड सेल है, जरासीम और वायरस के साथ लड़ते हैं। तो सुर्ख रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे क्या है? फ्लूइड टिश्यू। इन सबको हम लोग ब्लड बोलते हैं, और आपका ब्लड क्या है? फ्लूइड टिश्यू है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू आपको यहाँ पर हो गया क्लिक मार, खत्म। अब हम आ जाते हैं किस तरफ? मस्कुलर टिश्यू पर। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू को हम लोग बेहतर की क्या है डिफाइन करेंगे, जिसे आपने उसको डिफाइन किया था, हाँ इसको भी हम डिफाइन करेंगे। मस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं विच हैज द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये कौन से टिश्यू है? Which has the ability to what? To contract and relax. हमारा जिस्म भी कमाल के तरीके से बनाया गया है, मतलब आप देख रहे हो किस तरह मुख्तलिफ टिश्यू में नजर आ रहे हैं। इससे पहले जो हमने टिश्यू पढ़ा था वो क्या कर रहा था, और अभी जो हमने पढ़ा ये क्या कर रहा है, इसके बाद जो टिश्यू है ये क्या कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू, इसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये करता क्या है? इधर देखो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये जो टिश्यू है, ये इसके अंदर जो सेल्स है वो गोल नहीं होते, वो ऐसे होते हैं धागे, मतलब ऐसे लंबोते होते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि भाई सेल इस तरह गोल होता है ना, लेकिन इसके कमाल के सेल्स हैं, ये इस तरह से रॉड लाइक होते हैं, ठीक है, रॉड लाइक, रॉड की तरह होते हैं, लंबे धागे की तरह होते हैं। हालांकि इसके अंदर अपना न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सब कुछ है, लेकिन इस तरह के सेल्स। और दूसरी बात ये देखो, ये अपने को क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, रबर की तरह कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, रबर की तरह। तो आपका ये जो मसल है ना, बाइसिप मसल, इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये अपने आप को छोटा करके मोटा कर लेते हैं, और आप हाथ को सीधा करते हैं तो वो लंबा हो जाता है। ये आपका मस्कुलर टिश्यू है। सो मस्कुलर टिश्यू के डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि कितने किस्म के मस्कुलर टिश्यू है हमारे पास, कितने किस्म के मस्कुलर टिश्यू है। तो वो कौन सा है? नंबर वन स्केलेटल है, मसल है। दूसरा है स्मूथ मसल है। तीसरा है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वो मसल होते हैं जो कि हड्डियों के साथ अटैच है। क्या क्या कहां पर अटैच है? ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बोन है कि नहीं है? ये क्या है? तो मसल किस साथ अटैच है? जी हाँ, जो मसल बोन के साथ अटैच है ना, ऐसे मसल का नाम क्या है? ऐसे मसल का नाम क्या है? स्केलेटल मसल। तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, वो मसल विच is attached to what? To bones. शाबाश। तो एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे कौन देगा इसका? एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बाइसिप मसल। बाइसिप मसल इसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे। अब इधर आ जाओ, स्मूथ मसल क्या है? स्मूथ मसल, और अच्छा एक और बात भी जरा देखिए, ये वाली मसल आपके इख्तियार में है, ये आपके इख्तियार में है, आपके इख्तियार में है। वॉल्यूंटरी उसको बोलते हैं, वॉल्यूंटरी, मतलब आप जब चाहो तो इसको कंट्रैक्ट कर सकते हैं, जब आप चाहो तो रिलैक्स कर सकते हैं, कंट्रैक्ट कर सकते हैं। स्मूथ मसल क्या है? ये किस तरह के सेल्स होते हैं? ये इस तरह के सेल्स इसमें होते हैं, कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं, मतलब भाई, लेकिन ये आपको कहां पर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे ब्लड वेसल के अंदर। कहां पर? ब्लड वेसल, या जो आपके खून के रगे हैं वहां पर ये वाले सेल्स आपको मिलेंगे। खून के रगों को तंग करेगा और बढ़ा देगा। खून के रगों का पाइप समझिए, उस पाइप को आप ओपन कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं। ओपन तो कंट्रैक्शन है कि नहीं है? कंट्रैक्ट रिलैक्स, ये कौन करते हैं? स्मूथ मसल करते हैं। आपके सांस किनारे नहीं या इधर तो नहीं, आप आगे चले जो सांस किनारे आ जाते हैं, सांस किनारे नाजुक सी अंदाज है, वो सांस किनारियां भी तंग होंगी, बड़े हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उसके अंदर भी कौन सा मशहूर है? स्मूथ मसल। तो ब्लड वेसल प्लस और क्या क्या लिखे? इसमें हम लोग लिखेंगे ब्रॉन्कियोल्स, ब्रॉन
ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल सांस की नलियों को बोलते हैं। अब आखिर तो लास्ट में लोग इधर आ जाओ, कार्डियक मसल। अच्छा ये आपके इख्तियार में नहीं है भाई, ये आपकी मर्जी से कंट्रीक्लेक्स नहीं करते, मतलब अभी आपको तो अंदर, वो तो अंदर है, आप कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये अपनी मर्जी से कंट्रीक्लेक्स करते, ये आपके इख्तियार में नहीं, तो उसके लिए क्या लफ्ज़ मैं इधर इस्तेमाल करूँ? शाबाश, इधर लिखेंगे इन वॉल्यूम टेरी। अच्छा लास्ट पे कौन सा है? कार्डिक मसल, किंग बॉडी का, मतलब इसको हार्ट बोलता हूँ, हार्ट, दिल आपका जो हार्ट है 24 घंटे काम करता है, कभी रेस्ट नहीं करता, थकता नहीं है, इस मसल का नाम क्या है? कार्डिक मसल। और ये कमाल के मसल होते हैं, सेल होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जिसमें शाखें होती हैं, राइट, इसमें क्या होती है? ब्रांचेस होती है इसके सेल में, राइट, मतलब ये एक सेल है दूसरा सेल, इसके अंदर ब्रांचेस है। और ये कार्डियक मसल आपको कहाँ पर मिलेगा? सिर्फ एक ही जगह, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, बस एक ही जगह है, वो उसका नाम आपने याद रखना है, कौन सा जगह है? हार्ट के अंदर है, बस ये आपने याद रखना है। थकते हैं? नहीं, हमारे इख्तियार में है? नहीं, नॉन वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अब लास्ट में आ जाए नर्वस टिश्यू की तरफ, नर्वस टिश्यू कौन सा टिश्यू है? ये वो टिश्यू है जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए बनाते हैं नर्व इम्पल्स, क्या बनाते हैं? अच्छा इधर जगह नहीं होगा, यहां पर लिखता हूं नर्व, तो लिखा नर्व इम्पल्स, आसाबी पैगाम, दिमाग के अंदर जो मैसेजेस आप लोग बनाते हैं ना, जब आप लोग जब सोचते हैं, आप लोग जब चीजों को याद करते हैं, तो वो सब के सब कहां पर आएगा? नर्वस टिश्यू में। आप जब मैथमेटिक्स रियाजी में सवाल हल करते हैं 5 + 5 = 10, ये कौन करते हैं? ये हिसाब किताब नर्वस टिश्यू करता है। आप सोचते हैं कौन करता है? नर्वस टिश्यू। आपको गुस्सा आता है कौन करता है? नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक का नाम है न्यूरॉन, दूसरे का नाम है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन वो सेल्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, नर्व इम्पल्स का नाम है मैसेज, पैगाम, ब्रेन से बॉडी तक ले जाना और बॉडी से वापस लेके आ जाना, ये में कौन करते हैं? न्यूरॉन करते हैं, यानी ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, और दूसरा क्या है? न्यूरोग्लिया। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो इनकी खिदमत करते हैं, इनको खुराक देते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं, ये कौन से सेल्स है? न्यूरोग्लिया है। तो ये तो काम करता है ना, करंट तो ये बेचते हैं, मैसेजेस तो ये बेचते हैं, लेकिन इनकी खिदमत कौन करता है? न्यूरोग्लिया क्या करता है? सपोर्ट एंड नरिश, नरिश मतलब खुराक देता है न्यूरॉन्स को। तो ये रहा आपका नर्वस टिश्यू, यहाँ तक आपका सारे के सारे टिश्यूज मैंने बता दिए, आप लोग जो है इसको दोबारा से लिख भी सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, और होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।